गाइस वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ फाइव मस्ट विजिट प्लेसेस इन जयपुर। कुछ नई कुछ पुरानी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसेस मैं आपको बताने वाली हूँ आज के एपिसोड में। सो लेट्स गो। इंडिया में नियरली 2000 स्टेपवेल्स हैं एंड राजस्थान हाउसेज ऑलमोस्ट 100 ऑफ देम एंड वन ऑफ देम इज द पन्ना मीना का कुंड, ऑल्सो नोन एज पन्ना मिया कुंड या फिर पन्ना मीना बावरी। ये बावरी है आमेर फोर्ट के पास एंड बॉलीवुड के लिए भी ना ये एक फेमस डेस्टिनेशन है। पन्ना मीना कुंड में हर साल थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स आते हैं। ये इंडिया का एक यूनिक आर्किटेक्चरल मार्वल है। इस स्टेपवेल के तीन साइड्स पर ही स्टेप्स बनाए गए हैं, वो भी क्रिस क्रॉस पैटर्न में, और इस कुंड में थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ बिहारी जी के मंदिर में। इस मंदिर को 17th सेंचुरी में बनाया गया ड्यूरिंग द रीन ऑफ राजा जयसिंह फर्स्ट। कहा जाता है कि बिहारी जी राजा जयसिंह की एंटरटेनमेंट के लिए कविताएं लिखा करते थे। इन सभी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जयपुर सिटी के लिए एक और गिफ्ट, एक न्यू डेस्टिनेशन फॉर द जॉगर्स एंड ग्रीनरी लवर्स। ये ना सिर्फ जयपुर का लार्जेस्ट पार्क है बल्कि राजस्थान स्टेट का भी सबसे बड़ा पार्क है। स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 52.42 एकर्स, 4 किलोमीटर लॉन्ग जॉगिंग पार्क, 3 किलोमीटर इंटरनल वॉकवे, सीसीटीवी मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी एट ऑल द एंट्रेंस एंड एग्जिट गेट्स। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द जयपुराइट्स। मानसरोवर जयपुर में बना ये सिटी पार्क इज बिगर देन हाइड पार्क इन लंदन एंड सेंट्रल पार्क इन न्यूयॉर्क। इंटरेस्टिंग है ना, तो जल्दी से विजिट कीजिए सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में। सिटी पार्क की मेजर अट्रैक्शन है यहाँ की ग्रैंड एंट्री प्लाजा, जहां पर बनाई गई है एक वाटर बॉडी। अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पर 17 स्कल्पचर्स भी इंस्टॉल किए गए हैं, जिनमें से कुछ स्टोन से बने हैं और कुछ हैं मेटल के स्कल्पचर्स। खजाना महल 12,000 स्क्वायर यार्ड्स पर बना हाई टेक सिक्योरिटी से डिप्लॉयड एक ऐसा गिफ्ट है जयपुराइट्स के लिए, जहां पर शोकेस किए गए हैं रेयर जेम्स, ज्वेल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स। इस म्यूजियम को बनाया गया है 200 साल पुरानी हवेली को रीस्टोर करके, जिसे उस समय चीता की हौदी या फिर बारूद खाना भी कहा जाता था। राम सेतु का पत्थर भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा एंड खजाना महल के 95% जेम्स एंड स्टोन्स ओरिजिनल हैं। पूरे वर्ल्ड में ऐसा दूसरा कोई भी म्यूजियम नहीं है जहां आपको इतनी बड़ी कलेक्शन मिले जेम्स एंड स्टोन्स की। यहां पर आपको देखने को मिलेगा शूटिंग स्टार, कोहिनूर की रेप्लिका, 16 सिंगार, शार्क टूथ से बना डायमंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट यूनिक कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स एंड पोस्टकार्ड्स। और यहां पर आपको देखने को मिलेगी दुनिया की सबसे बड़ी रिंग। सच में पिंक सिटी में आने वाले टूरिस्ट को एक और डेस्टिनेशन मिली है खजाना महल के रूप में। आप यहां पर जिपलाइन जैसी एडवेंचरस एक्टिविटी भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ मेरी मोस्ट फेवरेट प्लेस इन जयपुर, वर्ल्ड ट्रेड पार्क। वर्ल्ड ट्रेड पार्क इज द बिगेस्ट शॉपिंग मॉल ऑफ राजस्थान। 2 साल लगे इस मॉल की कंस्ट्रक्शन में और 52 एकर्स में बनाया गया है ये मॉल। इट हैज 2 सेपरेट ब्लॉक्स एंड दीज ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ ब्रिज दैट कैन बी यूज्ड बाय द कस्टमर्स टू एक्सप्लोर द एंटायर मॉल। मतलब कोई भी ऐसा शॉपिंग ब्रांड नहीं है जो आपको वर्ल्ड ट्रेड पार्क में देखने को नहीं मिलेगा। पूरी बिल्डिंग को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का फूड कोर्ट। यस, ये है यहाँ का फूड कोर्ट। एक कासल जैसा देखने को मिलेगा आपको, बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है ये। एंड यहाँ पर आपको दुबई बाजार भी देखने को मिलेगा। एंड वर्ल्ड ट्रेड पार्क में ना आपको वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अपनी बकेट लिस्ट में अभी से ऐड कर लीजिए वर्ल्ड ट्रेड पार्क को। अगर आप भी मेरी तरह एक फूडी हैं तो जयपुर चौपाटी इज द प्लेस फॉर यू। यस, जयपुर चौपाटी इज द बेस्ट प्लेस टू स्पेंड एन इवनिंग इन मानसरोवर एरिया ऑफ जयपुर। एंड फूड कोर्ट विद देसी टच एंड वर्ल्ड क्लास सिटिंग प्लेस। जब मैं यहाँ गई थी तब जयपुर चौपाटी की एंट्री फी थी ₹10। मतलब आउटस्टैंडिंग प्लेस फॉर फास्ट फूड, स्नैक्स, मॉकटेल्स, आइसक्रीम, राजस्थानी, पंजाबी, साउथ इंडियन चाट्स एंड नॉर्थ इंडियन फूड। मतलब बहुत कुछ क्या, सब कुछ ही आपको यहाँ पर टेस्ट करने को मिल सकता है। एंड यहाँ पर लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस भी होती हैं एंड यहाँ का जो एम्बियंस है, यहाँ की वाइब्स हैं, वो वीडियो के थ्रू मैंने आपको आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश तो की है, बट स्टिल आपको यहाँ पर एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। एंड गाइज, यहाँ की चाट का स्वाद ना मुझे बहुत देर तक याद रहने वाला है। इट वॉज टू यम। सो गाइज, दिस वॉज इट माई सेकेंड एपिसोड ऑफ फाइव मस्ट विजिट प्लेसेस इन जयपुर। बहुत सी और ऐसी जगहें हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। मैं आने वाले एपिसोड्स में आपको बताती रहूंगी जो आपकी बकेट लिस्ट में 100% होनी चाहिए। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप आस्किंग योर लाइफ। ओके, नाउ व्हाट?